सरकार द्वारा तय किया गया मानदेय निजी कंपनियां ना देकर श्रमिकों का शोषण लगातार किया जा रहा है। श्रमिक हर रोज भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर है, अपनी बात मीडिया द्वारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं मगर आला अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रहती, जिसे साफ तौर पर कंपनी मालिकों द्वारा सांठ गांठ का भी शोषण का एक मुख्य कारण है, जिसके चलते पीड़ित श्रमिकों को एक कठोर कदम उठाना पड़ता है। वहीं अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो श्रमिकों के साथ गाली गलौज का भी मुख्य कारण का एक हिस्सा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के सिसोना गांव स्थित दवाई बनाने वाली सियान फार्मा कंपनी का है, जहां श्रमिकों द्वारा कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मीडिया से रूबरू होकर अपनी पीड़ा बताई। वहीं श्रमिकों ने भगवानपुर SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें SDM ने बताया कि श्रमिकों द्वारा दिए गए ज्ञापन लेबर कमिश्नर को भेज दिया गया है, जिसमें आगे कार्रवाई लेबर कमिश्नर द्वारा की जाएगी। वहीं जब मीडिया ने मैनेजमेंट से सवाल पूछना चाहा तो कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। आखिर सवाल ये भी है, आखिर कौन अधिकारी है जिनकी सह पर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है? कर्मचारी, उनका कहना है कि कंपनी और उनके कर्मचारियों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका कोई आपस में समझौता होना था जिसके लिए कंपनी द्वारा बार बार समय टाला जा रहा है। तो जो भी समझौता इस पर कंपनी एक्ट होना है उसके लिए सक्षम प्राधिकारी हमारा श्रम विभाग होता है, तो अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो श्रम विभाग द्वारा जांच के इसमें कार्रवाई की जाएगी। उनके ज्ञापन को मैंने श्रम विभाग को प्रेषित कर दिया है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया है। SDM यहाँ पे आए ना, तो मामला ये है कि एक तो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं ऊपर से, और जो एक सैलरी फिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग ही उससे नीचे सैलरी है हमारी, उसके बाद भी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर सैलरी बढ़ाने के लिए कोई बात करते हैं तो वही कंपनी से निकालने वाले वो सिस्टम चला रखा है और मनमर्जी चल रही है। अच्छा, अगर आपकी सैलरी पूरी नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करने की तैयारी? हमारा धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और क्या, हम किस लिए काम कर रहे हैं? तो कंपनी में कौन लोग परेशान कर रहे हैं? कंपनी मैनेजर लोग भी परेशान करते हैं, जो सीनियर वगैरह। सियान एडिटर प्राइवेट सिसोना भगवानपुर से आए हैं, हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आए। हमारी कंपनी में क्या है कि तो बंदों के साथ शोषण भी हो रहा है और मेंटल टॉर्चर करा जाता है, जबरदस्ती करी जाती है, हमारा जो हक है हमें वो नहीं दिया जाता। दूसरी बात, हमारा जो इंक्रीमेंट है वो हमें अप्रैल से होना था, हर साल अप्रैल से होता है, जो अगर कंपनी उनका जो गवर्नमेंट रूल है जो लिमिटेड रूल है वो भी अप्रैल से होता है, लेकिन हमारी कंपनी क्या है अक्टूबर से देखी, जुलाई से देखी थी, पिछली बार जो हमारे साथ जो वादे थे उसमें जितने उन्होंने झूठ बोल दिया, लेकिन ट्रेन में देखे वो भी खत्म है, तो अभी बोल रहे कि अप्रैल से। हमने इनसे बात भी करी, 15 दिन हो गए इनसे वादे ले रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि अभी अक्टूबर से करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है सर, अक्टूबर से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप अब कंपनी के लिए बोल रहे हैं, कंपनी को सपोर्ट करो, हम कंपनी को सपोर्ट करेंगे, अक्टूबर से बोल रहे ठीक है। लेकिन अक्टूबर से बोलने के बाद हमें उसका जो अप्रैल से है, अप्रैल से उसका एरियल भी तो दो, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई बात नहीं बोला।